2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो कहा गया था कि वो संघ की पसंद नहीं बल्कि मजबूरी थे, क्योंकि पीएम बनने से पहले मोदी गुजरात के सीएम थे और संघ को मोदी के काम से कई शिकायतें थी, लेकिन मोदी संघ की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते थे। 7 साल बाद भी मोदी और संघ के रिश्ते सुधरे नहीं हैं, इसकी झलक सोशल मीडिया पर दिखाई भी देती है। तो सोशल मीडिया पर संघ के दिग्गजों की क्या है पसंद, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी नेताओं और आरएसएस का हमेशा करीब का रिश्ता रहा है। जब भी बीजेपी किसी मुसीबत में फंसती है तो संघ से मदद की गुहार लगाती है। यहां तक कि विपक्ष तो ये भी आरोप लगाता है कि मोदी सरकार का रिमोट कंट्रोल नागपुर के हाथों में है, यानी मोदी सरकार संघ के इशारों पर काम कर रही है। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की संघ नेताओं के बीच स्वीकार्यता की हो तो साफ है कि संघ के अधिकांश दिग्गज मोदी को पसंद नहीं करते। वो मोदी को जरूरी नहीं मजबूरी मानते हैं। खबरों के मुताबिक 2014 में भी पीएम मोदी संघ की पसंद नहीं थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के बाद वो ही बीजेपी के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। 10 साल से सत्ता से दूर रही बीजेपी के लिए ये जरूरी था कि किसी लोकप्रिय चेहरे को आगे बढ़ाया जाए। बीजेपी के दबाव में संघ ने भी मोदी के नाम पर उस समय आपत्ति दर्ज नहीं कराई और 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने पहले मोदी को स्टार प्रचारक और बाद में पीएम इन वोटिंग घोषित कर दिया। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव जीता, संघ ने भी इसमें सहयोग दिया, लेकिन पीएम बनने के बाद भी मोदी संघ की पसंद नहीं बन सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर भले ही पीएम मोदी के करोड़ों फॉलोअर हों, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें से संघ के लोग ना के बराबर हैं। संघ के अधिकांश दिग्गज मोदी को फॉलो नहीं करते हैं। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले 2 साल से ट्विटर पर हैं, पर वो पीएम मोदी को फॉलो नहीं करते। इसके अलावा आरएसएस के प्रचारक दत्तात्रेय होसबोले को 53,000 से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी मोदी को फॉलो नहीं करते। आरएसएस में संघ प्रमुख और सरकार्यवाह के बाद सह सरकार्यवाह का नंबर आता है। मौजूदा समय में मनमोहन वैद्य, कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार, मुकुंद सियार और नामदत्त चक्रधर 5 सह सरकार्यवाहक हैं। इनमें से 4 के अकाउंट ट्विटर पर हैं और 3 लोग पीएम को फॉलो नहीं करते। टीवी लाइव की रिपोर्ट।